अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं मटर आलू का पुलाव बना रही हूँ और ये उसके लिए मैंने ऑयल एक पैन लिया है और इसमें मैंने हाफ कप ऑयल डाला है और साथ में 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और ये साबुत गर्म मसाला है, कुछ दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद जीरा है, बादाम का फूल, एक बड़ी इलायची, कुछ लौंग है और कुछ काली मिर्च हैं। तो ये कर देते हैं। ये देखें हमारे लहसुन, हमारे जो अनियन थे वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं कुछ, और कुछ को मैं ऐसे भून रही हूँ। तो ये मेरे पास जिंजर और गार्लिक हैं और साथ में 1 अदद हरी मिर्च है, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। अक्सर मेरे पास फ्रीज की पड़ी होती तो इसलिए मैं पहले ऐड कर देती हूँ कि ज़्यादा ब्राउन ना हो, क्योंकि पुलाव बना रही हूँ मज़ेदार किस्म का। इनके साथ ही मैं ये आलू शामिल कर दूँगी। ये हमारे पास 3 अदद आलू हैं और ये मटर है मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब होंगे, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ साथ ही, और मसाले भी अभी मैं इसमें साथ में ऐड कर दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया कि आलू भी मटर भी बन जाएं, और साथ में ये टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास 3 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के, इनका छिलका मैंने उतार दिया, स्लाइस में काटे हुए। जब तक ये पानी गलेगा तो साथ में टमाटर भी गल जाएंगे और इसका टेस्ट ज़बरदस्त किस्म का आएगा। और ये मसाले भी साथ में मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखें 1 टीस्पून सारे मसाले हैं, गर्म मसाला है, धनिया पाउडर है और हल्दी है 1/2 टीस्पून है, और बाकी ये रेगुलर लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून है, और ये नमक हंसते जाएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। ये थोड़ा सा सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे और ज़बरदस्त किस्म के हमारे आलू मटर का पुलाव रेडी हो जाएगा। और झटपट पुलाव 1 मिनट में बनता है, जो कुछ समझ में नहीं आया तो सब्ज़ियाँ पड़ी होती हैं घर में, और जल्दी से बनाएँ ज़बरदस्त किस्म का। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर ये कड़ी पत्ता मैं भूल गई थी, तेज़ पत्ता जो होता है ये मैंने ऐड किया, और साथ में 1 गिलास पानी और ऐड करेंगे। ये थोड़े से हमारे आलू अच्छे से पक जाएं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ मैंने 1/2 बाउल इसमें दही ऐड किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और ये थोड़ा सा सूख जाए। ये देखें सब चीज़ें गल चुकी हैं, हमारे आलू भी गल चुके हैं, मटर भी, तो हम थोड़ा सा ये और भून जाएँ तो फिर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए व्यूअर्स, यहाँ मैं 2 कप पानी ऐड करूंगी और मेरे 2 घंटे हो गए हैं, मैंने चावल पहले से भिगो के रखे थे, और रेगुलर हमारे घर के वनस्पति हैं जो हम रेगुलर खाते हैं, वही कोई सैला चावल नहीं है। ये देखिए व्यूअर्स, इस पॉइंट पे हम इसे कवर कर देंगे। हम अपने चावल चेक करते हैं, ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे खिले खिले चावल रेडी हो गए, और इस पॉइंट पे मैं इसमें धनिया पुदीना, धनिया मैंने काटा था, पुदीना नहीं सिर्फ धनिया और हरी मिर्चें, तो वो मैं ऐड करूँगी। देखिए मैंने धनिया और यहाँ पर हरी मिर्चें ऐड की, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें और नमक रखिएगा। और मैंने जब चावल डाले थे मैंने बिल्कुल फ्लेम बहुत स्लो रखी थी नॉर्मली, और ये देखिए अभी दम पे रखेंगे, ज़बरदस्त किस्म के हमारे चावल रेडी हो जाएंगे, तो फिर मिलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मज़ेदार सा हमारा मटर आलू पुलाव रेडी हो गया, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।